नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने MBBS BDS एडमिशन 2019-20 के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया। यहाँ आप सामने स्क्रीन पर ये शेड्यूल चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे UHS के शेड्यूल के बारे में पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि शेड्यूल आ गया, या क्योंकि आपको पता है कुछ लोगों ने वीडियोज़ बनाई थी जिसमें उन्होंने कम्प्लीट शेड्यूल जारी कर दिया था। एक्चुअली जो शेड्यूल आपको शो किया गया कुछ वीडियोज़ में, वो शेड्यूल 2018 के प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है। अभी तक UHS ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया, जैसे भी वो शेड्यूल आ गया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप नाम से शेड्यूल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए जो एडमिशन है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 22 अक्टूबर को लगेगी, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 4 नवंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 17 नवंबर 2019 को, और जबकि इसके बाद ये प्रोसेस जो है वो 24 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। जब ये प्रोसेस हम प्राइवेट सेक्टर के लिए देखते हैं तो ये प्रोसेस 30 सितंबर को इसे शुरू होगा, 21 सितंबर लास्ट डेट है। पहली मेरिट लिस्ट 29 नवंबर 2019 को लगेगी, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट 12 दिसंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को लगेगी, और 31 दिसंबर 2019 तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, जब हम लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट शो हो जाती है। यहाँ पर बाकी तो मतलब CMH के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी नाम्स के साथ एफिलिएटेड थे, लेकिन फिजाइया मेडिकल कॉलेज और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है उनके एडमिशन जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी करे, क्योंकि वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में लोकेटेड थे। लेकिन यहाँ पर नाम्स ने जो है वो अनाउंस कर दिया है कि नहीं, फिजाइया और फाउंडेशन उन दोनों के एडमिशन भी नाम्स खुद करेगा। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें फिर मेरिट वगैरह के हवाले से और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।